गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि फिजिक्स चैप्टर वाइज की तैयारी कैसे करें। जैसे मान लेते हैं अगर बच्चों की तैयारी नहीं हो चुकी है तो अब एक काम करते हैं कि चैप्टर वाइज अलग अलग तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है अपने पेपर के लिए। जैसे इस क्लास में हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा हमारा जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 6 नंबर या 6 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक होता है 1 नंबर का, तो टोटल जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का होता है। तो आपको इस तरीके से सीरीज करवाई जाएगी, पहले आपको 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाए जाएंगे पहले चैप्टर के, फिर दूसरे चैप्टर के, इस तरीके से। जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है वो भी आपका 6 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक होता है 1 नंबर का, तो ये भी आपको मिलते हैं 6 क्वेश्चन। ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं और ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अगला इसको हम लोग खंड आ कह सकते हैं, इसको खंड बा कह सकते हैं। और अगला जो खंड होता है उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, उसमें एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो हो गया 5 × 10 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के और ये रहेंगे 4 क्वेश्चन। आगे जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये क्वेश्चन रहने वाले हैं 3-3 नंबर के, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूड रहेगा। 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। तो 10 × 3 कितना हो गया 30 हो गया। आगे जो आपको बचेगा वो बच रहा है देखो 6, 6, 12, 8, 20 और 30 हो गया 50, बच रहे 20 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का आता है जिसको आपको विस्तृत क्वेश्चन कहते हैं, तो ये 5 × 20 नंबर का। इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिजाइन करने वाले हैं 6, 6, 12 और 4, 12, 4, 16 और 10, 26 और 6, 26 और 4, 30 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरीके से आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं और इस तरीके से आप देखोगे कि जो आपके ये क्वेश्चन नंबर है इस तरीके से आपको मिल जाएंगे 70 नंबर। आपको पता होगा अभी तो ये पता चल ही गया होगा कि 30 नंबर का भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल पूछा जाता है, 30 नंबर आपको वहाँ से जो स्कूल से मिलने वाले होते हैं आपके बोर्ड से मिलते हैं, और 70 नंबर आपको जो मिलेंगे आपके लिखित से मिलेंगे। इसी 70 नंबर के लोग तैयारी करने चल रहे हैं और ये तैयारी जो होने वाली है वो चैप्टर वाइज होने वाली है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज तैयारी करने के लिए हमने आपको एक पेपर दिया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा वो पेपर, और वो पेपर में आपको पहले आपको खंड आ में जितने 6 क्वेश्चन कराए गए हैं वो पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन के लिए है। जैसे आपसे बात करें कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है कि एक वैद्युत क्षेत्र जो होता है जिसको हम लोग ई कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र ई होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझना, ई का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं F/Q0। ई बराबर होता है F/Q0, अगर इसको अच्छे से समझना चाहें तो Q0 होता है एक आवेश होता है, एकांक परीक्षण आवेश होता है जो काल्पनिक होता है, और ये धन आवेश होता है। तो ये धनावेश चार्ज होता है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, एकांक आवेश हो जाए, तो जो भी बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र E/Q कहलाता है। आप इसके अकॉर्डिंग अगर इसके मात्रक को देखोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो आप देख रहे होगे पहला क्वेश्चन ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो पहले ऑप्शन में दिखा गया आपको दिख रहा होगा कूलाम प्रति न्यूटन, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम लिखा गया है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन कूलाम प्रति न्यूटन जो है वो सही है, मतलब सही होने का मतलब है क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना, जो नहीं शब्द का यूज किया गया है इसमें आपको 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नहीं है। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका मतलब कूलाम प्रति न्यूटन नहीं होता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पहला ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। अगले दो जो अगले 3 आंसर आपको दिख रहे होंगे उन 3 आंसर को भी हम साथ में समझ लेते हैं। जैसे दूसरा आंसर आपको मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर दिख रहा होगा वोल्ट प्रति मीटर, तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई बराबर होता है V/R, इसका मतलब V होता है वोल्ट और R मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी बढ़ने के साथ विभव, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ विभव जो होता है वो कम होता है। ई बराबर V/R से इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तीसरा मात्रक आपको दिख रहा होगा जूल प्रति कूलाम और प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर इस तरीके से दिख रहा होगा, तो आप इसका मतलब समझ पाओगे। इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, और इसको डिवाइड करना है हमको मीटर से, तो ये मीटर जो चलाएगा इसके बगल में चलाएगा मीटर। अब देखो जूल प्रति कूलाम या मीटर हो सकता है, तो इसका जूल को हम लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन कह सकते हैं, इससे हम लोग बल लिख सकते हैं या कह सकते हो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर लिख सकते हैं,
और इसको कूलाम मीटर लिख सकते हैं। तो मीटर से मीटर कट गया, तो आप देखोगे न्यूटन प्रति कूलाम लिया गया इसका मात्र। आप देख सकते हो जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर जो लिखा गया है इसको हम न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, जो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका मतलब आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही होता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो आपके एमकेएस पद्धति में लिखा गया है, न्यूटन को लिखा गया है किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड, और साथ में कूलाम भी लिखा गया है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में कूलाम लिखा गया, इसलिए आपके चौथा ऑप्शन भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आपका तीसरा ऑप्शन भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, आपका दूसरा ऑप्शन भी होता है, और पहला ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलाम होता है, लेकिन ऑप्शन में कूलाम प्रति मीटर है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिख रहा होगा आप देख चुके होंगे, पहले आपको आ गया होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है वो विकल्पीय क्वेश्चन का खंड आ का खा वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का खा, उसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक 8 कूलाम का ऋण आवेश है, मतलब हमारा आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्यू का मान दिया गया है 8 कूलाम, और ये बताया गया ये ऋण आवेश है। इस बात को ध्यान रखना 8 कूलाम आवेश है, पूछा ये जा रहा है इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसका मतलब एन का मान पूछा जा रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, आवेश का क्वांटमीकरण, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, तो Q बराबर सूत्र हो जाएगा एन इंटू ई। क्यू का मान क्वेश्चन दिया गया 8 कूलाम, ये हो गया ऋण आवेश, और एन का मान आपको ज्ञात करना है, ई का मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये होता है। एन का मान निकालने के लिए देखोगे ये हो जाएगा 8/1.6×10⁻¹⁹, ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखो इसको अगर काटा जाए तो ये दशमलव से एक यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, 16 × 16, 16×5 = 80। तो आप n का मान देखोगे तो आ जाएगा 5×10⁻¹⁹, ये -19 ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻¹+19, तो इतने संख्या आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे n का मान जो होगा वो आ जाएगा 5×10⁻¹⁹, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी अगर यहाँ पर ऋण आवेश है, 8 कूलाम ऋण आवेश है, फिर जो ऋण आवेश है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। बस आपका दूसरा विकल्प जो हो जाता है, मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 5×10⁻¹⁹, ये सही हो जाती है। तीसरा जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट के कितने मात्रक होते हैं, कौन सा मात्रक होता है। तो हम लोग पहले समझ लो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वैद्युतशीलता। इसका मतलब ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आवेश होता है या कोई ऐसा पदार्थ होता है जो आवेश को आगे बढ़ने में मदद करता है, उस पर वो जो पदार्थ होता है वो ज़्यादा वैद्युतशील होता है। इसका हमारे कहने का मतलब है अगर इसकी मात्रा निकालना है तो आपको एक कूलाम का फार्मूला पता होगा, कूलाम के नियम का फार्मूला पता होगा, जो होता है एफ बराबर 1/4πε₀Q₁Q₂r². इस सबसे पूछे एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसी का मात्रक पूछा गया है। तो अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो आप देखोगे इसका जो जो भी मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति एक मिनट, जो बल का मात्रक होता है वो हो जाएगा न्यू। आप देखोगे ये है कांस्टेंट वैल्यू क्यू वन क्यू टू का, या क्यू का मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक कूलाम जो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यू। इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले जाएं, एफ को इधर लेकर आएं, तो आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट का जो भी मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप समझो ध्यान से कि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो आपके विकल्प दिख रहा होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर सही। अगला प्रश्न है आपका कि पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश और संगति का अनुपात क्या होता है। आपको दिक्कत आती होगी संगति क्या होता है, तो आप समझ लो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मतलब द्रव्यमान को हम लोग संगति भी कहते हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझो कि पूछा यह जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी दो चीज़ें हम समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है और इस पर आवेश कितने होते हैं, क्यू का मान कितना होता है। तो ध्यान समझना, समझो जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान होता है 9×10⁻¹⁹ किलोग्राम, और दूसरा क्वेश्चन ये आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है 1×-1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके आवेश और संगति का अनुपात क्या होगा, मतलब पूछा जा रहा है Q/m क्या होने वाला है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको बटे इसको करोगे
1.6 × 10^-19 कूलम और बटे हो जाएगा 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। दसमलव से दसमलव जाएगा और आपको इसको डिवाइड करना होगा तो 10^-31 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 16। दसमलव से दसमलव कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा 16 और यहाँ पर बचा 91। अगर हम 91 से भाग करेंगे 16 को तो ये नहीं कटने वाला है, तो हम ले जाएंगे 10 बराबर और जैसे 91 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.177। अब ये ऊपर जाएगा पावर 2 हो जाएगा कितना 0.177 × 10^-19 × 10^31 और यूनिट हो जाएगी कूलाम प्रति किलोग्राम। अब इसको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, 0.177 × 10^31 में से 19 गया कितना जाएगा, 19 और एक 20 हो जाता है, एक ये हो गया 20, 10 30 हो जाता है मतलब 21 हो गया और ये हो गया टोटल 22 हो गया। अब समझ पा रहे होंगे 9, 2, 11 और 2, 1, 3 मतलब 31 में से 19 हटाओगे तो 22 आएगा, 31 प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक अंतर इधर लेकर जाना है जिसे करना है इसको 1.77 करना है। तो आपको क्वेश्चन ये समझ आता है बच्चों को या प्रॉब्लम ये होती है कि अगर दशमलव दाएं जाए तो क्या होता है, दशमलव बाएं जाए तो क्या होता है, तो हमारी एक बात ध्यान रखना सबको, सिर्फ आपको अगर ये समझना है कि अगर दस दशमलव को राइट साइड लेकर जाना है तो अपने दिमाग में या खुद से करना चाहिए। इसलिए अगर 10^22 है दशमलव हमको इधर लेकर ध्यान रखना, अगर दशमलव जाएगा राइट साइड, अगर दशमलव जाएगा राइट साइड तो आपको क्या करना है 10^ में जो भी वैल्यू रहेगी उसमें से एक कम कर देना होता है। जैसे 10^22 है और दशमलव ले जाना है राइट साइड, 10^22 का हो जाएगा 10^21 मात्रा कूलाम प्रति किलोग्राम। तो जो आपका ये ऑप्शन है वो वाला सही है, 1.77 × 10^21। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, जो भी हमको समझना सबको समझने वाले हैं कि इसका मात्रक क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आप एक फार्मूला बताओ क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। आप जानते हो कोई भी द्विध्रुव होगा, इस द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश लोगे, जैसे हम मान लेते हैं एक आवेश लेते हैं क्यू, चाहे वो प्लस लो चाहे माइनस लो, तो क्यू हो गया और इन दोनों के बीच की जो दूरी हम लोग 2L लेते हैं, डी लेते हैं, जो भी आप लेना चाहो, तो ये हो गया दूरी और ये हो गया आवेश। तो इसका जो मात्रक आएगा क्यू का मात्रक आएगा कूलाम और 2L या दूरी का मात्रक आएगा मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। आपके क्वेश्चन में मीटर कूलाम लिखा गया होगा तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, मीटर कूलाम का। अगला क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बल आघूर्ण क्या होता है या फिर कह सकते हो टॉर्क का मान क्या होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है। टाऊ एक हमारे पास सदिश राशि होती है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है पी क्रॉस ई। पी होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए वैद्युत बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाऊ बराबर पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई को हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। तो चाहे आपको ऑप्शन में मिलेगा पी ई साइन थीटा, चाहे आपको मिले पी क्रॉस ई, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन मान सकते हो। तो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया है कि टाउ का फार्मूला सही कौन सा है, तो पी क्रॉस ई फार्मूला सही है। अब ये खंड आ खत्म होता है और अगला जैसे खंड बाद का एक एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अगली वीडियो में कराने वाले। थैंक यू।